पेडागोजी के प्रश्नों की आज आपकी तीसरी क्लास है और आज की क्लास में आपको कुछ कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अपने दोस्तों को कर दिया करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं वंदना मुद्गल। तो आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी के प्रश्न लेके आई हूँ और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेडागोजी पर पकड़ बने, आपके भाषा में पूरे 30 में से 30 नंबर आए, तो डेली पेडागोजी की क्लासें आप देखते रहिएगा और आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो वीडियो पर, तो एक अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य कर दिया करें। तो देखो, दो वीडियो आपको मिल चुकी है, दो क्लासें आपकी, आज आपकी तीसरी क्लास है। पहला प्रश्न है आपका, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकों से ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। तो देखो, ये प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ दिया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा सही, और आप कमेंट अवश्य करना क्योंकि हमें भी पता चले कि आप कितना सीख पाए हैं, तो इसका आंसर आप अवश्य करें और जो कोई भी सबसे पहले आंसर करेगा उसका आंसर हम पिन करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हम पिन करेंगे, तो आप अपना कमेंट अवश्य करें। तो चलो प्रश्नों को हम सीरीज आगे बढ़ाते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी बच्चे पढ़ करके समझें, इस कुशलता का विकास करने में आप सबसे कम महत्वपूर्ण किसको मानोगे? कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना। अब देखो, एक बच्चा है और उसने पढ़कर कितना समझा है या फिर वो पढ़कर चीजों को समझे, ये कुशलता का विकास अगर आप बच्चे में करना चाहते हो तो किसी भी कहानी का जो भी अंत है तो आप उसे कहानी दीजिए और कहानी सुनाइएगा और उससे पूछिएगा कि अगर इसका ये वाला अंत नहीं होता तो और क्या हो सकता, तो ये पढ़कर समझने की कुशलता हो जाएगी, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे सबसे कम पूछा है। और कहानी पर आधारित व्याकरण, देखो व्याकरण की बात जहां भी आ जाए, रटने की बात आ जाए, ये सभी आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, तो हो सकता है यही हमारा सही हो, लेकिन हमें बाकी को ऑप्शन भी अभी देखने हैं। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, बच्चा जब कहानी को अपनी भाषा में कह पाएगा तो ये भी सही है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना, बच्चा प्रश्न बना सकता है तो इससे भी कुशलता का विकास होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, यानी कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। देखो वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन आप पूर्ण धैर्य के साथ देखा करें क्योंकि थोड़ा मैं व्याख्या करके साथ आपको पढ़ाती हूँ, बताती हूँ प्रश्न को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी भी पेडागोजी पर पकड़ बने, आप भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। पहले और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, यानी पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों से ज्यादातर कला शिक्षा बनाई जाती है, ड्रॉइंग, तो उसको समेकित करने का उद्देश्य इन चारों ऑप्शनों में से एक नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये बिल्कुल सही है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी सही है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, तो देखो बच्चों में रचनात्मकता के विकास के लिए बच्चों से कला बनवाते हैं, तो ये भी राइट आंसर आपका नहीं होगा। और बच्चों को इसमें मतलब बच्चे आनंद भी लेते हैं, उसको में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ड्रॉइंग में, ठीक है, कला बनाने में, और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास भी होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, यानी हम बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं ड्राइंग बनवाते हैं कि उनकी जो लिखाई है उसमें परिपक्वता आए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और ज्यादातर आपके सीटेट में नहीं वाले जो भी प्रश्न होते हैं उन्हें आप सही प्रश्न को भी गलत करके आते हो, ठीक है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थाई होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थाई होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझने में मदद करती हैं
कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो देखो त्रुटियां भैया क्या है, त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से गलतियां नहीं हुई थी, आप लोगों से त्रुटियां नहीं हुई थी, या हमसे नहीं हुई थी, या बच्चों से नहीं होती है। त्रुटियां करके ही हम सीखते हैं, कोई भी परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो राइट आंसर आपका ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। त्रुटियां अस्थाई होती है और ये अस्थाई होती है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों से हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थाई होती हैं, ये स्थाई बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि सतत आकलन किसे कहते हैं, यानी निरंतर चलने वाला, यानी बच्चे का आकलन हमेशा हर चीज में आकलन करना, सिर्फ परीक्षाओं पर आधारित आकलन नहीं करना। ठीक है, सिर्फ परीक्षाओं पर आधारित आकलन नहीं होता है, बच्चे का सतत आकलन में हम डेली आकलन करते हैं, बच्चे ने डेली क्या सीखा है, कितना सीखा है, खेल कूद में कितना सीखा है, ठीक है, और बच्चा पढ़ने में कैसा है, बाकी एक्टिविटी में क्या क्या करता है, ये सारी चीजें होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है। तो सतत आकलन का उद्देश्य क्या है, तो सतत आकलन का उद्देश्य है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, अगर हम डेली बच्चों पर हम आकलन करेंगे डेली बच्चों का, तो हम ये सीख पाएंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो राइट आंसर आपका नंबर एक। अगला प्रश्न है, और देखो 15 अगस्त से आपकी क्लासें भी शुरू हो रही है, तो आप लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो दी जा चुकी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। ट्रिक और टिप्स पर भी वीडियो आपको मिल रही है, तो उन्हें भी अवश्य देखा करें। और आप वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, शेयर अवश्य कर दिया करें। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, एक्टिंग मान के चलिए, का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। अब प्राथमिक कक्षा है और आपका भाषा संबंधी ये चल रहा है, ठीक है, भाषा में, तो भाषा में रोल प्ले का क्या संबंध है, ठीक है, क्या रोल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, विभिन्न संदर्भ में भाषा के अवसर प्रदान करना, यानी भाषा प्रयोग के। जब बच्चा कोई रोल प्ले करता है, तो कभी वो राजा बनता है, तो राजा बनकर के किस तरीके से भाषा बोलनी चाहिए, नौकर बनकर के किस तरीके से करना चाहिए, कभी लड़का है तो वो लड़की का रोल करता है, तो तब वो किस तरीके से, तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। आशा करती हूँ कि आपको हमारी पेडागोजी समझ में आती होगी, और आप कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आपको समझ में आती है या नहीं आती है, आप कमेंट करके नहीं बताते हो। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार तक आवृत्ति हुई हो, आप उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय ईश्वर ध्यान न इस पर, सॉरी ये ईश्वर नहीं है, इस पर, ठीक है, इस पर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, तब वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। अब सुरभि मतलब जिन शब्दों में दो बार ता आया हो, तो ऐसे शब्दों को बोलने में उसे कठिनाई होती है, तो इसके लिए देखो इसके जगह दूसरा विकल्प आप कोई दूसरा शब्द दे दो उसे बोलने के लिए, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसे वह शब्द भी बोलना आना चाहिए, और सुन करके बच्चा उस चीज को नहीं बोल सकता है, और ध्यान नहीं देगी तो फिर सीखेगी कैसे। तो राइट आंसर है आपका नंबर डी, यानी ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी, जो शब्द वो नहीं बोल पाती है, जिन शब्दों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में वाक्यों को बच्चे को अगर कठिनाई होती है, तो आप उनको बार बार उच्चारण करवाएं और सही उच्चारण करवाएं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से
परिचित करवाना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है, बच्चों का जो साहित्य होता है, बच्चों के लिए जो कहानी पुस्तक कविताएं जो भी ठीक है आती है, तो उनका क्या रोल है, उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों को जीवन कौशल सिखाना ये भी नहीं होगा, ठीक है। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी आपको बिल्कुल भी प्राइमरी लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, जूनियर लेवल पर कुछ भाषिक नियमों की बच्चों को आप जानकारी दे सकते हो, और साहित्यिक विधाओं से भी परिचित नहीं कराना है। इतना छोटा सा बच्चा है, ठीक है, नियमों को भी नहीं सीख पाता है, साहित्यिक विधाओं को भी नहीं सीख पाएगा, और जीवन कौशल का भाषा शिक्षण से भी संबंध नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल साहित्य से संबंध नहीं है, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित हों। जब अच्छी अच्छी कहानियां बच्चे को पढ़ने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी कविताएं बच्चे को पढ़ने को मिलती हैं, तो उन्हें उत्साह के साथ पढ़ता है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो इनमें से और क्या लेके आते हैं, समस्याएं, समस्या लेकर के बच्चा विद्यालय नहीं आता है, पाठ्य पुस्तक लेकर भी नहीं आता है, कमियां लेकर भी नहीं आता है। तो राइट आंसर है भाषा, यानी बच्चे अपनी पूर्ण भाषा से लैस आता है, ठीक है, भाषा से पूर्ण लैस आता है बच्चा। तो राइट आंसर आपका नंबर बी। ऐसा नहीं है कि बच्चा विद्यालय आकर के ही भाषा सीखता है, विद्यालय आकर के बच्चा भाषा के कौशलों को सीखता है, ठीक है, मानक भाषा सीखता है, लेकिन भाषा से पूर्ण लैस तो वो पहले से ही होता है, अपनी जो भी उसकी मातृभाषा होती है उससे। एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रा को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है, श्रव्य, दृश्य, शब्द दृश्य, सभी। यानी आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है या छात्र है, तो आप उसकी अधिगम यानी सीखने में किस तरीके से मदद कर सकते हो। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रव्य, क्योंकि बच्चा ये देख नहीं सकता है, और यहाँ आपका श्रव्य दृश्य आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रव्य, यानी बच्चे को कोई भी चीज है तो आप उसे सुना सकते हो। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जुन नहीं है, ये अर्जन है, ठीक है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, आपसे यहां नहीं पूछा है, नोट। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल सही है, उसने आपसे नहीं पूछा है। भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए श्रमबद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन मतलब समृद्ध परिवेश से ही होता है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल संभव है, ये भी आपका सही है। तो ये तीनों आपके सही है, तो ये आपके आंसर नहीं होंगे, आपका आंसर हो जाएगा नंबर बी कि भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं। भैया भाषा अर्जन के कोई भी नियम नहीं सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन बिना नियमों को सीखे हुए भी हो जाता है। बच्चा अपने घर से अपनी भाषा को सीखता है, मातृभाषा को सीखता है, और वहां वह है कोई भी भाषा के नियमों को नहीं सीखता है, बिना नियमों के ही भाषा अर्जन करता है, और भाषा नियमों से अर्जन होती भी नहीं है। पठन कौशल से अभिप्राय है, भाषा के आपके चार कौशल हैं, कौशल कौन कौन से हैं आपका, पठन है, ठीक है, लेखन है, और एक आपका वाचन है, और एक आपका श्रवण है। श्रवण यानी सुनना, वाचन यानी पढ़ना, लेखन वाचन यानी किसी भी चीज को पढ़ना और लिखना, इस तरीके से पठन और वाचन तो एक ही होता है। और आपका बोलना होता है, एक आपका बोलना होता है, ये चार कौशल होते हैं। तो यह पठन कौशल की हो रही है बात, तो लिप चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। तो पठन कौशल का अर्थ क्या है, यानी अभिप्राय क्या है, पठन कौशल बच्चे में किस तरीके से विकसित होना चाहिए। तो राइट आंसर है आपका नंबर डी,
पढ़कर समझना, यानी बच्चा कोई भी पाठ्य पुस्तक है, कोई भी वाक्य पढ़ रहा है तो वो उसको अर्थ के साथ, समझ के साथ पढ़ना सीख जाए, तब हम जान सकते हैं कि बच्चे में पठन कौशल विकसित हो गया है। सिर्फ किताब पढ़ना सीख जाए तो ये हमारा पठन कौशल नहीं होता है, यानी पढ़कर समझना। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। देखो व्याकरण की, और ये आपके सेकंड लेवल पर जूनियर लेवल प्रश्नों जो आपकी भाषा के पूछे जाते हैं पेपर टू में, वहाँ इस तरीके के प्रश्न आपके बन जाते हैं, कभी कभी प्राइमरी लेवल पर, लेकिन प्राइमरी लेवल पर आपका व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। तो देखो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है, तो क्या बेहतर विधि कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका नंबर एक, आगमन विधि। यानी बच्चे, आगमन विधि क्या है, पहले उदाहरण और फिर नियम, और निगमन में पहले नियम सीखते हैं बच्चे, फिर उदाहरण देकर के उसको सिखाया जाता है। तो राइट आंसर है आपका आगमन विधि, यानी व्याकरण शिक्षण सिखाने के लिए बच्चों के लिए सबसे बेहतर विधि आगमन विधि होती है। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम भाषा संबंधी मूल्यांकन में, यानी आप भाषा का मूल्यांकन कर रहे हो तो पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। यानी आपका भी जो भी पाठ्यक्रम निश्चित किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सिर्फ हमें उतना ही मूल्यांकन करना है आपको कि बच्चे ने इस पाठ्यक्रम में से कितना सीखा है, या फिर बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर बच्चों के वार्षिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। तो देखो सिर्फ पाठ्यक्रम की हमें विशेष भाषा का ही मूल्यांकन नहीं करना है, और वार्षिक नियमों संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन भी नहीं करना है, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए, इसका भी हमें नहीं करना है। तो हमें भाषा संबंधी मूल्यांकन में क्या मूल्यांकन करना है, हमें मूल्यांकन बच्चे का करना है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्षमता का, ठीक है, यानी भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चा जो भाषा है उसका प्रयोग कितना कर पाता है, ठीक है, यानी बच्चा बिल्कुल सहज रूप से भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, उससे आप कुछ भी पूछे तो उसको सोचना ना पड़े, वो तुरंत उसका आंसर दे पाए। भाषा संबंधी मूल्यांकन में ये तो वही प्रश्न है आपका, ठीक है, तो यानी बच्चों के भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। मान के चलिए कि जैसे बच्चे की मातृभाषा है, उसमें आप उससे कुछ भी पूछ लीजिएगा कोई भी प्रश्न, तो बच्चा सहज रूप से बिना सोचे उसका तुरंत उत्तर देगा अपनी भाषा में और बिना कठिनाई के। लेकिन अगर आप उसे कोई दूसरी भाषा सिखा रहे हो वहां, तो वहां वो अटक अटक करके सोच सोच के उस दूसरी भाषा का प्रयोग करेगा। तो अगर आप उस दूसरी भाषा को भी उसे सिखा रहे हैं तो उसका भी प्रयोग बच्चा बिल्कुल सहज रूप से, यानी जिस तरीके से वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर पाता है उस तरीके से करना सीख जाए। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। यानी आपकी एक भाषा की कक्षा है तो उसमें मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तक सजाकर, यानी पुस्तकों को आपने सजा करके अपनी कक्षा में रख दो, तो उसमें केवल आ रहा है, केवल, तो जहां भी आपको केवल मिल जाए वो आपका निगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही यही काम नहीं करना है, दीवारों पर केवल आकर्षक, देखो दीवारों पर पोस्टर आप लगा सकते हो लेकिन केवल पोस्टर ही नहीं लगाने हैं, विविध आकर्षक पुस्तकों को भी सजा करके रख सकते हैं लेकिन केवल नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। दीवारों पर सूक्ति एवं उपदेशात्मक बातें लिख करके, ठीक है, तो इससे भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और सूक्तियां और उपदेशात्मक बातें वो पढ़ना भी नहीं जानेंगे। तो नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहानी कविता के पोस्टर बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करें। यानी बच्चे से आप कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, कोई अच्छा सा काम करवा सकते हो, फिर उसको आप चिपका सकते हो, पोस्टर है, कहानी है, कविता है, इस तरीके से। तो किस तरीके से एक परिवेश रचोगे आप, तो राइट आंसर आपका नंबर
शी। तो आज के आपके इतने ही प्रश्न हैं। अगली वीडियो आपको कल फिर मिलेगी, और डेली आपको चैनल पर वीडियो मिल रही है भाषा की, और जल्दी ही हम सीडीपी के प्रश्नों को भी सीरीज चलाएंगे, सीडीपी के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, पेडागोजी के जितने भी प्रश्न हैं आपके। और ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और सबसे फर्स्ट आपका जो प्रश्न है उसका आंसर भी आपको अवश्य देना है कमेंट करके। इस प्रश्न का आंसर आपको अवश्य बताना है, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको अवश्य बताना है। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं, और जो भी इसका आंसर सही देगा, ठीक है, उसका आंसर पिन किया जाएगा, जो सबसे पहले देगा उसका भी आंसर पिन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।